गाइज एग्जाम्पल नंबर 35 को देखो। इस 35 एग्जाम्पल में क्या दे रखा, आपसे कह रखा कि एक ही पॉइंट पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं जिसका नाम है T1, T2 और यहाँ पर लग रहा है वेट नीचे की तरफ को, ठीक है। वेट की वैल्यू भी दे रखी है आपको 10 न्यूटन की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 न्यूटन मतलब एक तरह का फोर्स, दो फोर्स ये हो गए और तीसरा फोर्स हो गए ये। अच्छी बात तो ये है कि ये एंगल भी दे रखे हैं, ये 90 डिग्री का, ये 150 डिग्री का, ये 120 डिग्री का। गाइस आपको एक ज़बरदस्त थ्योरम का नाम बताता हूँ जिसका नाम है लामी थ्योरम। ये लामी थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि अगर किसी एक पॉइंट पर तीन फोर्स लग रहे हों, समझ रहे हो आप, इस तरह से, दैट इज F1, F2 और F3, ये तीनों फोर्स लगने के बाद में सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, मतलब बिल्कुल एडजस्ट कर चुके एक दूसरे को, ये फोर्स इक्विलिब्रियम में हो, तो लेट अस सपोज कि इसके सामने ये वाला एंगल अल्फा है, इसके सामने ये वाला एंगल बीटा है और इसके सामने वाला एंगल गामा है। तीन फोर्स लग रहे हैं किसी पॉइंट पर और ये फोर्सेस जो है इक्विलिब्रियम में हैं, तो लामी ने ये कहा था कि फोर्स और उसके सामने वाले एंगल का की साइन, उसके सामने वाले एंगल के साइन का रेशियो हमेशा इक्वल होता, तो F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा, ये वाली बात, ये इक्वल होती है। तो मैंने आपको ये लामी थ्योरम बता दी, ये क्वेश्चन लामी थ्योरम से बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, क्योंकि एक ही पॉइंट पर तीन फोर्स लग रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है सिस्टम और तीनों के बीच का एंगल भी है, तो डायरेक्ट लामी थ्योरम से आप वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जरा मेरी तरफ को ध्यान दो, कलर चेंज कर लो यार, बहुत देर हो गई। कैसे करेंगे आप देखोगे, आप लिखोगे बाय यूजिंग लामी थ्योरम, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख के लामी थ्योरम ये कहेगी कि T1 और उसके करस्पोंडिंग जो दोनों फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल T1 अपॉन साइन 150 ये इक्वल होगा T2 अपॉन साइन 120 साइन 120 और ये इक्वल होगा, अब ये भी तो फोर्स है 10 न्यूटन का, 10 डिवाइडेड बाय इसके सामने का एंगल साइन 90 डिग्री। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, सोल्व मत करो, डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करो, आप कैसे निकलेगा डायरेक्ट देखो। आप पहले वाले को ले लो, लास्ट वाले को ले लो, क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो इक्वल है, तो आप कहोगे T1 अपॉन साइन 150 डिग्री ये इक्वल है किसके, 10 अपॉन साइन 90 के, ठीक है। सॉल्व करते हैं, T1 चाहिए मुझे, बिल्कुल चाहिए, साइन 150 इधर को ले जाओ तो ये पहुँच जाएगा साइन 150, 10 ऐसे रहेगा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब साइन 150 डिग्री की वैल्यू का आपको लोचा हो सकता है, साइन 150 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, साइड में आपको सिखाता हूँ, साइन 150 डिग्री तो आप इसको कह सकते हो साइन 180 माइनस 30, साइन 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा ही होता है, क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, ये 10 था, 2 से 10 काटोगे तो आ जाएगा 5, तो T1 की वैल्यू आ चुकी है 5 न्यूटन। एक बार क्रॉस चेकिंग कर लेता हूँ आंसर की, क्या बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही है आपका, T1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5 न्यूटन। अब जरा फाइट करते हैं T2 के लिए, तो T2 के लिए जिस तरह से आपने T1 को लास्ट वाले के साथ लिया था, सिमिलरली आप T2 को ले लोगे। अब देखो ये 10/1, तो ये 10 ही होगा, तो T2 आप निकालो, 10 की साइन 120 डिग्री के साथ वैल्यू। अब साइन 120 डिग्री की वैल्यू, अब साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, जैसे अभी बताया था आपको, साइन 180 माइनस 60 तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2, ठीक है, ध्यान रखना इसका, 200 काटोगे 5√3। अगर कोई सॉल्व करना ही चाह रहा है तो इसको सॉल्व कर सकता है, सॉल्व कैसे करेगा, T2 5 इसकी वैल्यू होती है 1.732, जरा मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 10 = 0 = 1, 5 × 3 = 15 = 16 = 6 हासिल लगे 7 × 5 = 35 और 36 = 6 हासिल लगे 3 और 5 5 + 5 = 3 8 तो 8.7
सिक्स, इसको आप ऐसे कह सकते हो न्यूटन, 8.66 न्यूटन, मतलब 5√3 छोड़ो आंसर न्यूटन में। ठीक है भाई, तो ये लामी थ्योरम से बड़ा इजी हो गया। आप लोग भी चला के देखें, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि तीन फोर्स हैं और इक्विलिब्रियम में है, एंगल दे रखे हैं, तो डायरेक्ट लामी थ्योरम लगा दो। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।